तो फाइनली तुम मिल गए एस कैचम, तुम ही हो ना यहाँ पर सबसे पावरफुल। हाँ, पर आपको मेरा नाम कैसे पता? काफी अच्छा लग रहा है बाहर आके, इतने सालों बाद जो आया हूँ, और इस टाइम तक तुम ही यहाँ पर सबसे पावरफुल ट्रेनर हो। मैंने सही कहा ना? तो आप भी क्या पोकेमोन ट्रेनर हैं? मुझे आपसे मिलकर काफी खुशी हुई। क्या आप मेरे से एक बार बैटल करना चाहोगे? मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे नहीं, अब ये तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर मैं जीता तो मैं इस पूरे प्लेनेट को तबाह कर दूंगा। हाँ, क्या मतलब? कौन हो तुम और तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं तुम्हें 6-on-6 बैटल के लिए चैलेंज करने आया हूँ, तो सोच समझ के लड़ना। तुम अपने सबसे बेस्ट पोकेमोन लेके आ जाओ, क्योंकि तुम्हारा मुकाबला मेरे से है। तो अगर मैं यहाँ जीतता हूँ तो तुम्हारी पृथ्वी पूरी खतरे में आ जाएगी, इसलिए अपने बेस्ट पोकेमोन को ही लाना। मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं जल्दी जाके अभी आता हूँ। प्रोफेसर ओक, मेरे पोकेमोन वापस कर दो मुझे, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, जल्दी से मेरे पोकेमोन दे दो। हाँ ऐसा समझ गया मैं, लेकिन कौन से पोकेमोन चाहिए? तो मुझे अभी जरूरत है लुकारियो, पिकाचू, इन्फर्नेप, ड्रैगन नाइट और चाइजार्ड की, और सेप्टाइल की भी। माफ करना ऐस, सेप्टाइल यहाँ पर नहीं है। सेप्टाइल अभी गया है बल्बासोर के साथ कुछ पोकेमोन की बैटल छुड़ाने के लिए। वो कब तक आएगा हमें पता नहीं, और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है उसे कॉन्टेक्ट करने का। अरे नहीं, तो अगर वो आ जाए तो आप भेज देना, और नर्जोय को कहना कि जल्दी से जल्दी लेके ट्रेनर्स बैटल स्टेडियम में पहुंचे। तो तुम आ गए, अपने पोकेमोन दिखाओ जो इस बैटल में यूज करने वाले हो। ऐसा कहता है, ऐसा क्यों करूं मैं? शायद तुम मुझे ढंग से पहचाने नहीं, लेकिन अब पहचान जाओगे कि मैं कौन हूँ। क्या म्यूटू? गलत, मैं हूँ म्यू 3। मुझे म्यूटू को रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन डीएनए में ऐसी गड़बड़ी होने के कारण मुझे फेंक दिया गया। जब म्यूटू छोटा था तब म्यू के डीएनए को उसके साथ एक और मिलाया गया, जिससे एक और पावरफुल पोकेमोन का निर्माण किया जाए जो म्यूटू को रोक सकता है। लेकिन मैं नाकामयाब रहा, जिसके बाद मुझे फेंक दिया गया और मेरे जैसे कईयों को फेंक दिया गया। इसमें हमारी क्या गलती? तुम्हारी नाकामयाबी है, ना कि मेरी। मुझे तकलीफ क्यों हुई? मुझे वहाँ पर फेंका क्यों गया? इसका जवाब मुझे चाहिए। और तुम इसे पावरफुल बनाना चाहते थे ना, तो मैं बन चुका हूँ। अब देखता हूँ मुझे यहाँ से कौन निकालता है, और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसा लगता है यूजलेस होना, जब तुम्हारी गलती ना भी हो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है एस कैचम, लेकिन तुम्हें भी यहाँ पर मरना होगा, इसीलिए मैं बदला लेने आया हूँ। सबसे पावरफुल ट्रेनर को हराने के बाद मैं प्रूव कर दूंगा कि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, और मेरे पूरा हक है इस पृथ्वी पे राज करने का, या फिर इस पूरी प्लैनेट को तबाह करने का। तो ऐस दिखाता है अपने सारे पोकेमोन को, तो ये है मेरे पोकेमोन। और डिट्टो उन सभी पोकेमोन का रूप ले लेते हैं। वैसे मैं तुम्हें बता दूँ, ये नॉर्मल डिट्टो नहीं है, ये मेरी तरह ही हाइब्रिड डिट्टो हैं, यानी कि ये पोकेमोन इवोल्व भी हो सकते हैं, फिनोमिना का यूज़ भी कर सकते हैं, और भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं जो तुम्हें बाद में पता लगेगा। लेकिन घबराओ मत, मैं फेयर फाइट करूँगा पूरी तरीके से। मैं कोई भी ऐसी पावर का इस्तेमाल नहीं करूँगा जो मूव में नहीं होती है। तो मैं चूज करता हूँ लुकारियो को। चलो पिकाचू, मैं तुमसे स्टार्ट करता हूँ। पिकाचू क्विक अटैक। पिकाचू का क्विक अटैक इतना फास्ट होता है कि लुकारियो बचने की कोशिश भी करता है, लेकिन बच नहीं पाता, क्योंकि इसका पिकाचू काफी ज्यादा फास्ट है। पिकाचू आयरन टेल। लेकिन लुकारियो अब समझने लगा है पिकाचू की स्पीड को, इसलिए उसे मैच कर लेता है और उसे ओरा पल्स मारता है, जिसके बाद पिकाचू की हालत काफी बुरी हो जाती है। उसके बाद वो ओरा स्पीयर मारता है, जिसे एस का पिकाचू काउंटर कर देता है इलेक्ट्रोबॉल से, जिसे इन दोनों को डैमेज होता है। बैटल काफ़ी इंटरेस्टिंग चली जा रही होती है, उन दोनों की स्पीड काफ़ी बढ़ती जाती है, और दोनों एक दूसरे के मूव समझने लगते हैं। पिकाचू थंडरबोल्ट का यूज़ करो, उसके बाद क्विक अटैक। इस कॉम्बिनेशन से लुकारियो नहीं बच पाता, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। उसके बाद म्यू 3 कहता है ओरा स्पीयर, लेकिन एस का पिकाचू भी रेडी रहता है अपने इलेक्ट्रोबॉल के साथ, जिसके बाद एक और बार क्लैश होता है और रिजल्ट सेम आता है, दोनों को इक्वल डैमेज होता है। शाबाश पिकाचू, मुझे पता था तुम उड़ जाओगे। तुम्हें क्या लगा इतनी जल्दी खेल खत्म हो जाएगा? पिकाचू इलेक्ट्रो है, ये कैसे हो सकता है? इसने तो कोई मेगास्टोन का यूज भी नहीं किया। बोन रश। तो चलो पिकाचू आयरन टेल से स्टार्ट करते हैं। क्या इतना पावर? पिकाचू क्विक अटैक। ओ नो, ये काफी फास्ट हो चुका है। पिकाचू भागो। अरे वाह, ये तो काफी फास्ट हो गया है, मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा। लुकारियो डायनामिक पंच। पिकाचू इलेक्ट्रो बॉल। डोज करो और इसका खेल खत्म करो। What? क्या अब इसे दिखाओ कि हमारे अंदर कितनी पावर है।
अभी भी इसे इतना मारो जब तक ये फेंट ना हो जाए या हार ना मान ले। नहीं लुकारियो, ये अभी भी जिंदा है, इसे खत्म कर दो। ये काफी खतरनाक लग रहा है मुझे। ये क्या, ये कोई रूल नहीं होता, इसे छोड़ दो। घबराओ मत पिकाचू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वैसे ब्रूटैलिटी दिखाना कोई रूल ब्रेकिंग नहीं होता। लुकारियो, तुम सही समय पे आए, तो चलो अब हम भी मेगा इवॉल्व करते हैं। पिकाची तुम थोड़ा रैश ले लो, अभी तुम हारे नहीं हो, इसे तुम दोबारा आ सकते हो। तो लुकारियो बोन रैश। तुम्हारे सभी वार मेरे लिए बेकार है। ओ अच्छा, तो ये कैसी लगी? और एस्पियर, तुम कुछ कह रहे थे? अरे नहीं, ये लुकारियो को वही गुस्सा आ रहा है जो ग्रीन निंजा के टाइम पे आया था। अब ये शायद मेरे ऑर्डर नहीं मानेगा। लुकारियो रुको। अरे नहीं, और एस्पियर से इसका खेल खत्म करो। नहीं, और यहाँ ऐस का पहला पोकेमॉन हार जाता है। ड्रैगनाइट सब तुम पे है, याद है ना तुम्हें तुमने कोरिना को कैसे हराया था? बिल्कुल वैसे ही इसे भी हरा देना। तो चलो बैटल को स्टार्ट करते हैं। गो ड्रैगनाइट। लुकारियो इसका खेल जल्दी खत्म करो। और एस्पियर, क्या एनिमिक पंच? नहीं ड्रैगनाइट। तुम्हें क्या लगा तुम मेरे एक भी पोकेमॉन को हरा सकते हो? माना मेरे डिट्टो ने तुम्हारे पोकेमॉन का रूप ले रखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारे पोकेमॉन के जैसे ही हैं। इनके अंदर मेरे सेल्स हैं, यानी कि इनका पावर भी मेरे 1% के बराबर होगा। क्या इम्पॉसिबल 1%? कोई बात नहीं ड्रैगनाइट, ट्विस्टर डिफेंस करो। क्या ड्रैगन क्लो ड्रैगनाइट, डायनामिक पंच। वापस आ जाओ। तो सच में तुम पोकेमॉन मास्टर बनने के लायक हो, लेकिन इतना काफी नहीं है मुझे हराने के लिए। तो ये रहा मेरा सेकंड पोकेमॉन। तो हाँ यार, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। होप करता हूँ कि वीडियो इंटरेस्टिंग और यूनिक लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।